नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ हर्षा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बताते चले कि सरकार तो बन गई लेकिन अब मुद्दों पर बात होनी चाहिए और कौन कौन से मुद्दे जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, इसी पर अब चर्चा करने की जरूरत है। देखिए, सरकार बनने के बाद अब मुद्दों पर चर्चा करना कितना जरूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। 2023 से जून की अगर हम बात करें तो 24 यानी कि 2024 तक बेरोजगारी जो दर है वो 3.2% पर स्थिर बनी हुई है। लेकिन फिलहाल ये आंकड़ा आपको एनुअल रिपोर्ट ऑफ लेबर फोर्स सर्वे का मैं बता रही हूं, और उसके बाद यहां पर मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो यहां जम्मू कश्मीर के 47% लोगों का कहना है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर के अंदर है, जो कि 2023 के मुकाबले पर देखा जाए तो 37.0% से बढ़कर जुलाई तक की बात की जाए 2023 तक, और उसके साथ साथ जून 2024 के दौरान अगर हम इसे देखते हैं तो 41.7 हो गई है। ये दो रिपोर्ट्स आपके सामने रखी गई हैं, एक तो मूड ऑफ नेशन आप देख रहे हैं, दूसरा एनुअल रिपोर्ट ऑफ लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट देख रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर का आंकड़ा किस तरह से रखा गया है। साफ तौर पर अगर हम एनुअल रिपोर्ट ऑफ लेबर फोर्स सर्वे को लेते हैं तो उसमें जून 2023 से 24 जो कि 2024 है यहां तक अगर देखा जाए तो 3.2% पर स्थिर अभी तक बनी हुई है, और मूड ऑफ द नेशन अगर हम देखते हैं तो 41.4% पर अभी भी हो गई है। तो फिलहाल लगातार आप देखिए बेरोजगारी का मुद्दा जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ था, लेकिन हर एक पार्टी ने जिसने भी जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ा सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने बेरोजगारी को बनाया कि सरकार में आते ही बेरोजगारी पर सबसे पहले लगाम लगाने की कोशिश होगी, युवाओं के हकों को मद्देनजर रखते हुए काम किया जाएगा। चलिए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर बेरोजगारी दर जो लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ रही है उसे खत्म किस तरह से करना चाहिए, रोड मैप किस तरह से तैयार यहां पर होना चाहिए, लेकिन जो लोग पहले से ही सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, वो कौन सी उम्मीदें लगाकर सरकार से इस बार बैठे हुए हैं, ये बड़ा सवाल अब बन गया है। लेकिन उसके साथ साथ अगर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं, CMI का ही जो डाटा है वो अगर हम देखते हैं तो देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर देश में छठे स्थान पर रहा जो पहले तीसरे स्थान पर रहता था। अब बेरोजगारी दर में गिरावट तो जरूर देखी गई, लेकिन फिलहाल युवाओं की जो उम्मीदें हैं वो अब सरकार से लग गई हैं, पार्टी से लग गई हैं। तो चलिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक सबसे बड़ा मुद्दा था इसी पर आज डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर किस तरह से काम होना चाहिए, क्योंकि दो रिपोर्ट्स आपके सामने रखी गई हैं, जिसमें पहली रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट ऑफ लेबर फोर्स सर्वे की आपको दिखाई गई है, जिसमें जून 2023 से 2024 तक का डाटा आपको बताया गया कि 3.2% पर है, और उसके बाद मोड ऑफ द नेशन पर भी बात हो रही है, जिसमें 2024 जून की अगर हम बात करते हैं तो 41.7 यहां पर हो गई है। तो चलिए इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र सिंह ताज हैं, डेली वेजर्स प्रेसिडेंट हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। विंकल शर्मा हैं हमारे साथ, यूथ लीडर हैं, विंकल आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मोहम्मद इमरान काजी ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और जल्दी से बीजेपी के साथ भी संपर्क साधिएगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के साथ ही ये बात होना जरूरी है। सबसे पहले तो विंकल मैं आप ही के पास आऊंगी, नई सरकार बन गई, फुल मेजोरिटी में आ गई, लेकिन उम्मीदें किस तरह से अब सरकार से है, क्योंकि हर एक पार्टी ने सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी गिनाया था। आपका आपने मुझे मौका दिया सबसे पहले यूथ की बात रखने का। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा था और आज भी है। सरकार ने इसको एड्रेस करने के लिए पहले जो प्रयास हुए उसमें वो सरकार विफल हुई। जो नई सरकार आई है इसकी सफलता और विफलता इसके कार्य जो भी काम ये करेगी उस पर निर्भर करेगी। अभी जब इमीडिएटली अगर हम देख रहे हैं, दो ही दिन हुए अभी सरकार को, एक दिन हुआ है, तो बहुत बड़ा एक उनके पास जनादेश मिला रोजगार को लेके, चाहे जम्मू में चाहे कश्मीर में, दोनों जगह ही लोगों ने वोट किया रोजगार को लेके। तो रोजगार देना प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए। जो रोजगार, ऐसा नहीं है कि कोई नई पोस्ट क्रिएट करनी है, अभी बहुत सारी पोस्टें वेकेंट पड़ी है, सरकार वो भी उनको भी फिल करे,
और इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी, क्योंकि हम देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर आया, इंसेंटिव लिया और निकल लिया बाहर, वैसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही प्राइवेट सेक्टर की कुछ कंपनियां कभी हिमाचल में है तो कभी पंजाब में तो कभी जम्मू में आती हैं। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को एक अच्छी नीति बनानी चाहिए जिसमें ये बेनिफिट्स तो लेते हैं टैक्स पेयर मनी का, लेकिन रोजगार के नाम पे कुछ सालों के लिए रोजगार दिया जाता है, उसके बाद इंसेंटिव का बेनिफिट जैसे खत्म होता है यहाँ से भाग जाते हैं। तो सरकार को एक प्रॉपर नीति लेके आना चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार प्राइवेट सेक्टर में भी मिले, इमरान जी, ना कि सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहे। ठीक है इमरान जी, विंकल कह रहे हैं कि एक प्रॉपर नीति बनाई जानी चाहिए युवाओं के लिए। सबसे पहले तो जो वैकेंट पोस्टेज हैं उन्हें भरा जाना चाहिए, और उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करने की बात कही गई थी वो सिर्फ पहुंचे और चले गए, लाभ नहीं मिल पाया। आशा जी देखिए, नो डाउट जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो हमारे जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त। अगर हम देखें, आपने खुद आंकड़े दिखाए, 2014 में हम 4% अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो में थे और इस वक्त हम कहां पहुंच चुके। दूसरी रही बात, इस वक्त अगर हम वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो मुल्क भर में हम नंबर वन पे हैं, 48.6% वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर की है बाकी रियासतों के मुकाबले में। और रही बात डेली वेजेस की, डेली वेजेस पिछले 10 साल में हम देखेंगे कि एक भी रेगुलराइजेशन किसी भी डेली वेजेस की नहीं हुई है, और आप देखेंगे कि 65% पोस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में वैकेंट पड़ी हुई है 2019 से, उनको फुलफिल करने का कोई भी काम पिछली सरकारों ने या एलजी ने नहीं किया गया है। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अच्छे मैनिफेस्टो के साथ आई है, हमने लोगों के साथ एक वादा किया हुआ है कि एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी फ्रेम की जाएगी जिससे जितने भी गवर्नमेंट पोस्ट हमारी वैकेंसी हैं उनको फुलफिल करने का काम किया जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि हमारी कैबिनेट स्टार्ट हो जाएगी और पहली कैबिनेट में ही हमारी 2-3 मुद्दे हैं उनको उन पे काम करना शुरू किया जाएगा। कौन कौन से मुद्दे? सबसे पहले तो जो हमने स्टेटहुड का रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड का जो मुद्दा है हमारा, सबसे पहले वो होगा, उस पर एक रेजोल्यूशन पास होगा। अनएम्प्लॉयमेंट पॉलिसी एक फ्रेम होगी, उस पर इंस्ट्रक्शंस कैबिनेट में क्लियर कट दी जाएगी। उसके बाद जो हमारे बाकी सेक्टर से जैसे जो हमने बोला हुआ है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी उनको अपलिफ्ट करने के लिए है, उसके लिए पहली कैबिनेट में ये तीनों चीजें। लेकिन इमरान, मैं डिबेट में आज ये चाहती हूँ कि आज ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि 2014 में हुआ, 2019 में हुआ, 2022 में हुआ, अब आगे के विजन पर चर्चा होनी चाहिए। पहले के काम क्या थे, किस तरह से हुए, हो गया, लेकिन आज जो मैंडेट मिला है आज उसी पर चर्चा होगी। राजेंद्र जी, उम्मीदें तो आपको भी काफी थी सरकार से। आशा जी एक मिनट, देखिए ये बात लोगों के सामने आया करना बहुत जरूरी है कि हमारे पास इस वक्त कितनी प्रॉब्लम्स है। अगर पिछले 10 साल में जहां पे हम पिछले 10 साल में 4% अनएम्प्लॉयमेंट में थे, अगर उस पर 10 साल में कुछ काम किया हुआ होता तो हमारा इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जीरो होता। पिछली सरकारों ने इस सरकार के ऊपर इतना बर्डन डाल दिया है कि लोगों को ये समझ जाना चाहिए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं अपनी टीम से भी कहूंगी कि बीजेपी के साथ भी संपर्क साधें और प्लीज उनके भी प्रवक्ता को सामने ले आइए। राजेंद्र जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि उम्मीदें तो आपको भी बहुत रही होंगी अभी नई सरकार से। आशा जी शुक्रिया आपका। जैसे काजी साहब ने कहा, काजी साहब ने सारे सारे मुद्दे गिने, लेकिन हमारा मुद्दे का नाम अभी तक इन्होंने नहीं लिया। इन्होंने कहा वीकर सेक्शन बाकी, लेकिन डेली वेज कैजुअल का नाम इन्होंने नहीं लिया। मैं इनको याद करवाना चाहता हूँ, सभी इलेक्शन से पहले भी थे। और प्लीज सुन लीजिए, मैं आपको प्लीज सुन लीजिए, आज भी डेली वेज में अभी डिबेट लंबी चलेगी, पिछले 10 साल से काम कर रहा है। चलिए कैसे, सुनिए मेरी बात, सुनिए मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जैसे आपने बाकी मुद्दे गिने, हमारा नाम आपने नहीं लिया, मैं उसी को उसी पॉइंट कर रहा हूँ कि आपने हमारा नाम नहीं, क्या ये डेली वेजर का नाम नहीं लिया। आपके एजेंडे में है कि आपने कि स्टेट उड़का लेकिन इसको ये नाम आपने नहीं, तो इसलिए मैं आपको याद करवा रहा था कि हमारा मुद्दा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पार्टी हो या वो अदर पॉलिटिकल पार्टियां, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने ये कहा कि ये मुद्दा जो है ये रीढ़ की हड्डी लोग हैं, हम लोग ही निजाम चला रहे हैं, चाहे वो 60,000 है, चाहे 22,000 जम्मू में पीएचडी का है, 10,000 कश्मीर में है। अगर आज आप लोग सभी जो जितने पैनल में बैठे हुए हैं,
पानी साफ स्वच्छ कोई पी रहा है तो क्या ये वो डेली वेज पीएचई का ही पिलवा रहा है, चाहे वो क्या 9000 का पैसे लेके शोषण अपना करवा रहा है, लेकिन लोगों को पानी 2 टाइम या 3 टाइम की सप्लाई वो बराबर दे रहा है। दूसरा आपने ये कहा कि 10 साल का गैप इलेक्शन से पहले ये सारे मुद्दे थे और आपने ये वादे भी किए थे। हमारा मुद्दा भी जैसे उमर साहब ने बड़ी स्पीचों में ये कहा कि हम लोग आते ही ये कैबिनेट में ये इनका मसला हल करेंगे। मैं आपको 2014 की बात बताऊं, कैबिनेट सब कमेटी बनी थी, उस कमेटी के चेयरमैन राठौर साहब थे और श्यामलाल शर्मा जी जो अभी पीएचई बीजेपी में पीएचई के मंत्री थे। कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट फाइनल थी, सिर्फ उसको कैबिनेट में जाना था। अगर कैबिनेट अब नई कैबिनेट होती है उसी रिपोर्ट को इंप्लीमेंट किया जाए तो हम लोग जो 33,000 पीएचई का और बाकी लोगों को अगर 60,000 या कम रह गए इन सब लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा। हमारे लिए नई पोस्टें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी किसी ना किसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमें सर्वेक्षण की जो वार्षिक रिपोर्ट थी नाम वो तो मैंने आपके सामने रखी, बीजेपी ने हमें जवाब दीजिए इमरान जी, आप लोग वो कह रहे हैं कि जो फाइल बनी हुई है ऑलरेडी पहले से तैयार है उस पर सिग्नेचर बाकी है, वही से काम कंटिन्यू होना चाहिए। देखिए नो डाउट जो अभी हमारे प्रवक्ता ने बोला रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेलीगेटर्स को, मैंने शायद आपने सुना नहीं, मैंने डेली वेजेस का नाम सबसे पहले लिया कि डेली वेजेस को पिछले 10 साल से कोई भी रेगुलराइजेशन नहीं हुई। जहां तक रही बात जो जिसके चेयरपर्सन रहीम राठौर साहब थे फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम पे कैबिनेट में फाइल गई थी, अगर आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से याद होगा वो सारी प्रॉब्लम तब आई जब कश्मीर में फ्लड आया और सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वो थी वो सारी डाइवर्ट होके कश्मीर को रिहेबिलिटेट करने में उस वक्त लग गई, उस वजह से वो फाइल उस वक्त मिल गई थी। और इस वक्त भी हमने वादा किया है, उमर साहब ने खुद बोला है हर जगह कि डेली वेजेस का मुद्दा सबसे पहले लिया जाएगा जब हमें मौका मिलेगा। जैसे हमें मौका मिलेगा रेगुलराइजेशन ऑफ द डेली वेजेस विल बी द प्रायोरिटी ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। राजेंद्र जी राजेंद्र साहब को टाइम फ्रेम है इसका, जब मौका मिलेगा ये तो लंबी बात हो जाती है, करेंगे लेकिन टाइम नहीं बताएंगे, टाइम होना चाहिए इसका, टाइम बाउंड होना चाहिए। अगर ये सारा मसौदा तैयार है तो इसको पहले कैबिनेट में क्यों नहीं रखा जाए? अगर ये 60,000 लोग हैं, 30-32,000 पीएचई का या बाकी डिपार्टमेंट 47 डिपार्टमेंट लोग हैं, अगर वही लोग डिपार्टमेंट चला रहे हैं इस निजाम को चला रहे हैं तो उनको पहले क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अगर आपको अच्छा निजाम चलाना है उन लोगों को क्यों नहीं जो कोविड में काम करते हैं, जो बर्फबारी में काम करते हैं, जम्मू की 45 डिग्री टेम्परेचर में काम करते हैं, उनका पहला हाथ क्यों नहीं होना चाहिए? एसेंशियल सर्विस में वो लोग हैं, अगर लोगों को एक दिन पानी ना मिले, एक दिन नहीं एक टाइम की बात करूं तो लोग सभी लोग कह रहे हैं कि टाइम फ्रेम होना चाहिए, टाइम बाउंड भी होना चाहिए, समय सीमा पता होनी चाहिए कि कब तक ये काम होगा, क्योंकि अब पिछली सरकारों पर भी ठीकरा फोड़ना सही नहीं है। क्योंकि ये डेली वेजर्स का मुद्दा इमरान जी अगर आप जानते होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि 30 साल से भी ऊपर का समय हो गया है और 30 सालों में कितनी सरकारें आई कितनी चली गई उसमें आपका भी नाम आ जाएगा। नहीं, समझ रहे हैं आपको सबसे पहले वेंकल अब ये देखिए नहीं पहले सवाल सुन लीजिए ना फिर दोनों का जवाब इकट्ठे दे दीजिएगा। आप सुनिए मेरी बात, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वही ये जमात थी जिसने सबसे पहले डेली वेजेस को अपॉइंट करने का काम शुरू किया था। सिमिलरली जैसे हमने रहबरे तालीम बाकी उनमें रहबरे खेल रहबरे ज़रात उसमें किया था, उनको रेगुलराइजेशन करने का काम भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसके बाद किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में नहीं रही तो रहबरे खेल आज किस तरह से प्रदर्शन कर रहा है ये जानते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि हमने जो है डेली वेजर्स को लगाया अभी उसके बाद कई जो है उनको एक्सट्रीम लाइन करने की कोशिश करी है। मैं जहां तक मैं जानता हूँ स्ट्रीम लाइन का अगर मतलब ये है कि हमने नए डेली वेजर्स लगाए, हमने कंट्रेक्चुअलाइजेशन किया तो ये बहुत ही गलत स्टेप था, इसके लिए तो माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उसके बाद की सरकारों ने भी यही किया है। अगर किसी के साथ दगा होता है धोखा होता है वो होता है यूथ के साथ। आशा जी अगर आप देखेंगे आज की डेट में जब से दिल्ली वेजर वाला क्योंकि कोर्ट ने ही मना कर दिया, जब कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स के लिए कोर्ट में जब पेटिशन हुई तो कोर्ट ने ही मना कर दिया कि को एडहॉक बेसिस पे नहीं लगाना है किसी को, तो इन्होंने एक और नई चीज नीड बेसिस जैसे पीएचई में लगाए थे जैसे राजेंद्र जी बोल रहे हैं बिल्कुल
इनके साथ नाइंसाफी हुई। अब जाके यही सेम चीज आप देखेंगे कॉलेजेस में, हमारे आईटीआई कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर लगते हैं, हमारे जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं उसमें गेस्ट लेक्चरर लगते हैं, उसमें फैकल्टी परमानेंट हायर ही नहीं होती है, करी ही नहीं जाती है। क्यों नहीं करी जाती है? सरकारों के अपने अपने बहाने आते हैं, ब्यूरोक्रेसी जब थी तब भी अपने अपने बहाने थे, एलजी प्रशासन का अपना अपना बहाना था, लेकिन इंप्लॉयमेंट से कुछ लोगों को डेलिब्रेटली बाहर किया जाता है। और आज उसका नतीजा ये है कि हमारी जो वर्कफोर्स है, सीएमआई ही आई का डाटा ही है जिसमें 80% जो अगर वर्कफोर्स की बात करें तो अनएम्प्लॉयड जो है उसमें 80% यूथ कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यूथ के पास नई जो अपॉर्चुनिटीज थी ना, इन्होंने वो जो है उनको अवेल करनी थी। पुरानी सरकार में बड़ा एक अफसोस की बात है कि बीजेपी के लोग यहाँ नहीं है, उनको होना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो इसके लिए जवाबदेह है। और आगे की जो भी आगे की जो पॉलिसियां बनेगी वो एनसी के लोग है, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, लेकिन इनको बनानी है। मेरा ये वो होता कि जो डेलिब्रेट लोगों को बाहर किया जा रहा है, फिर वो चाहे एज रिलैक्सेशन को लेके हो, फिर वो चाहे एक ऐसी पॉलिसी बना दी जाती है जहां एक्सक्लूसिव कर दिया जाता है कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए, कोई पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट, उसमें तब भी बाहर होता है, तब भी अनएम्प्लॉयड जो यूथ है उससे उसकी अपॉर्चुनिटी छीन ली जाती है। वैसी चीज ना हो। करंटली अगर हम देखते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी भी एक जो लंबा गैप था वो अगर युवाओं ने भुगता है तो वो नहीं होना चाहिए, एज की रिलैक्सेशन मिलना जरूरी है। चिविंकल इस पर जवाब लेंगे लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। चलिए इमरान जी जवाब दीजिएगा। देखिए आशा जी, इस वक्त हम लोगों को ये समझ आना चाहिए कि इस वक्त हमारे पास एक फुल फ्लेज स्टेट नहीं है। जो कैबिनेट में स्टेट को एक पावर्स होती थी वो नहीं, हमारे पास एक लिमिटेड पावर्स है और उसके तहत जितना हो सकेगा, जो भी हो सकेगा, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी होगी, रेगुलराइजेशन ऑफ द डेली वेजेस की बात होगी, वो सब हम अपने तहत कैबिनेट में अपने एलजी को जैसे भी हमें फर्दर प्रोसेस के लिए भेजना होगा वो हम भेजेंगे। विंकल वो कह रहे हैं कि प्रोसेस के लिए हमें जिस तरह से काम करना होगा हम करेंगे। ये एक आशा जी आपने भाई साहब ने कहा कि फुल फ्लेज स्टेट नहीं है, तो मैं राजेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन हम लोग साथ खड़े हैं, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, हम लोग साथ खड़े हैं। आप डिमांड तो करिए, आप पॉलिसीज तो बनाइए, आप लोग स्कीम्स तो लेके आइए। आप ये ठीकरा नहीं फोड़ सकते कि हम स्टेट नहीं, हम यूटी हैं। आप कोशिश तो करिए, उसके लिए लड़ना पड़ेगा तो लड़ा जाएगा। मैं इस चीज को समझता हूँ, टसल होगी लेकिन लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे। हमें मैं सिर्फ यूथ की बात करूं, इसके अलावा अगर आप देखेंगे आशा वर्कर है, कुक है, जिनको मामूली मतलब दिन के 30 रुपए मिलते हैं जबकि ड्यूटी वो भी 6 घंटे करते हैं। इन्होंने पिछले 10 सालों में इतना ज्यादा लॉस लोगों का हुआ है, जो एम्प्लॉयमेंट करी है एम्प्लॉयमेंट के नाम पे, जो इन्होंने मतलब लोगों के साथ धोखा किया है। मैं नहीं चाहता कि, और कोई भी नहीं चाहता है कि आगे भी वही हो। आपके पास पॉलिसीज थी तभी आप जो है इलेक्शंस में गए, आपने लोगों को बताया। अब आपके ऊपर ये जिम्मेवारी बनती है कि आप जल्दी से वो जो पॉलिसीज हैं उनको ग्राउंड पे उतारे। और उसके लिए जैसे राजेंद्र जी ने कहा था कि एक एक टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बोल दीजिए कि अगर कि लास्ट में जाके हम करेंगे, कर देंगे और लास्ट में बोलेंगे कि नहीं एलजी नहीं माने या सरकार को काम नहीं करने देगा, ऐसा नहीं। आप पॉलिसी दिखाइए, जवाब दीजिए। इमरान जी वो कह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए तो सही। विंकल जी मुझे बड़ी खुशी हुई आपकी बात सुनकर कि जैसे आपने बात की कि आप इनिशिएटिव तो लीजिए, यूथ आपके साथ खड़ा हुआ है। आप खुद देखेंगे इसी चैनल पे इन्हीं के साथ हम बात करेंगे। फिलहाल अभी हमारी कैबिनेट भी पूरी बनी गई है। आप एक बार गवर्नमेंट को फॉर्मेशन होने दीजिए, पूरी कैबिनेट को पूरी फॉर्मेशन होने दीजिए। अगर यही मसले कैबिनेट के प्रियोरिटी नहीं होगी तब आप मेरे से बात कीजिएगा कि आपने क्या बोला था और आप क्या कर रहे हैं। राजेंद्र जी जवाब दीजिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट पर आज बात हो रही है लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि स्टेटहुड नहीं है, थोड़ी बहुत परेशानी आएंगी। आशा जी आपको, आपके चैनल के व्यूज को और जो मेरे जितने एंकर जितने मेरे गेस्ट बैठे हैं साथी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से, सबको मेरा नमस्कार आदाब। कहीं नेटवर्क आज प्रॉब्लम है, मैं जुड़ नहीं पाया तो इसलिए मैं पैच अपने मोबाइल। अब आप मुद्दे पर आ जाइए राजेंद्र जी, समय कम है, 10 मिनट का समय रह गया है। जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि स्टेटहुड जिस दिन हमने इलेक्शन लड़े उस दिन स्टेट अपने ये यूटी थी, स्टेट नहीं थी। हमने यूटी में रह के सब लोगों ने इलेक्शन लड़े,
उसी में रह के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 का वादा लोगों से किया, उसी में रह के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1 लाख नौकरी का वादा किया, उसी में रह के 12 सिलेंडर का वादा जो है वो किया, उसी में पेंशन बढ़ाने का किया, उसी में 20 किलो राशन का किया। अनगिनत जो है कमिटमेंट इन्होंने लोगों से की। मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है लोगों की वेलफेयर के लिए अगर कोई कमिटमेंट की जाती है, मगर सरकार का कर्तव्य बनता है कि जैसे ही वो सरकार में आए पहली मीटिंग में ही उन कामों की तरफ जो है अपना ध्यान दिया जाए। मैं आज कोई सरकार पे एलिगेशन भी नहीं लगा रहा कि ये कोई वहां से ट्विट व्हिट्स करेंगे, मगर जो इनके प्रवक्ता साथी बैठते हैं वो आसान से रास्ते ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि इनको अब आसान रास्ते नहीं, अब गवर्नमेंट का काम करके जो लोग वो पूरी करके जो है वो बात चलेगी। ऐसे नहीं चलेगा, स्टेट नहीं है, यूपी है, जो है उसी कानून के तहत जो है वो काम करना पड़ेगा। ठीक है राजेंद्र जी, वो कह रहे हैं जो मुद्दे गिनाए गए थे अब उस पर काम करने की बारी है। मुझे उम्मीद है जो हमने वादे किए हैं जिस वक्त हम उस पर काम करना शुरू करेंगे, जब हमारी गवर्नमेंट की पूरी फॉर्मेशन होगी, तो हम ये भाजपा के जितने भी हमारे लोग हैं वो इन मुद्दों पे हमारे साथ होंगे, क्योंकि ये जितने भी मुद्दे हैं ये लोगों की भलाई के लिए है। और मुझे उम्मीद है ये तंज कसने से अच्छा है, ये हमें इसमें सपोर्ट करें। दोनों राजेंद्र बैठे हुए हैं, राजेंद्र ताज जी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग साथ में चलते हैं सरकार के तो फिर जद्दोजहद भी होगी और काम पर फोकस भी किया जाएगा। मैडम हम एसेंशियल सर्विस वाले हैं, हम 24 घंटे सरकार के साथ हैं। अगर हम पानी देते हैं तो सरकार का कोई भी ऑफिसर जो पीएम से लेके चीफ मिनिस्टर साहब तक पानी का इस्तेमाल करते हैं, सुबह उठते हैं शाम तक रात सोने तक पानी का इस्तेमाल किया जाता है। मैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन साहब कह रहे हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादे किए वो पूरे करना उनका फर्ज बनता है। तो 2014 में भी आपने वादे किए थे डेली वेजेस, आपका फर्ज नहीं बनता था। आप लोगों ने 5 अगस्त 2019 के बाद जो कैजुअल डेली वेजेस का हाल किया एलजी साहब के साथ मिलके, वो हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि आपने जो हमारे साथ जो हालात हमारे किए। आपने क्या वादा किया था भाई साहब 11 नवंबर 2020 को हमें एलजी साहब के पास लेके आप सुन लीजिए राजेंद्र जी सुनिए तुमने क्या वादा किया था बताएं भी ना। 11 नवंबर 2020 को एलजी साहब के पास आप हमें ले गए, आपके मेंबर पार्लियामेंट हमारा था आपको 4 साल हो गए। एलजी साहब ने कहा डीडीसी इलेक्शन के बाद आपका रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सुन लीजिए प्लीज सुन लीजिए सुन लीजिए आपने और पीडीपी ने जो SR520 बनाया था आप वो भी इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। आप दूसरे को कह रहे वो काम करे। ठीक है जवाब दे लीजिए राजेंद्र जी जवाब दीजिए। उन्होंने 94 से लेके 2014 तक ठीक है हो गया में से 2014 तक राजेंद्र जी जवाब दीजिए। हमें रेगुलाइज नहीं किया 14 से 24 तक आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहे। आप लोगों ने हमें हुआ यूथ का मिलके 2020 को वादा किया गया था 2024 आ गया आज और बीजेपी जवाब दीजिए राजेंद्र जी 90 के 90 एमएल मिलके ठीक है हमारे इस मसले को हल करवाएं। ठीक है ब्लेम गेम ना करें चले। वो कह रहे हैं कि दोनों को एक साथ होकर इस मसले को हल कराने की जरूरत है। जवाब दीजिए राजेंद्र जी पहले। मेरा मानना है कि यहाँ बैठ के ये जो हमारे साथी हैं इनके साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं, इनके साथ अनजस्टिस हुआ है, इनके साथ इमोशनल ब्लैकमेलिंग उन लोगों ने की जिन्होंने धोखा करके जिन्होंने बिना पॉलिसी के 60-70 हजार लोगों को लगाया बिना किसी पॉलिसी के। जवाबदेह वो हैं। हमें एक छोटा सा टाइम मिला उसके साथ हम इनको एक बार दो बार अलजी साहब के पास ले गए नहीं बात मान पाई वो एक अलग जवाब है। ताजी वो कह रहे हैं कि दो बार आपको लेकर गए बात नहीं बन पाई लेकिन काम तो किया गया। विकल्प मैं आपके पास भी आ रही हूँ एक सेकंड जल्दी से जवाब दीजिएगा ताजी क्योंकि समय कम रह गया है। मैडम मेरी बात सुनिए जैसे राजेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं बीमार को मेडिसिन चाहिए बीमार को डॉक्टर के पास ले आके वापस घर ले जाना बीमार का ट्रीटमेंट किया जाता है ना कि उसको हमने आपको डॉक्टर के पास लाया आपका काम खत्म हो गया। आप चाहते अगर मारा नहीं चाहते बीमारी इस तरह से नहीं बहुत गंभीर मुद्दा है ये। ताजी ठीक है हो गया राजेंद्र जी आपका भी ठीक है हो गया। विंकल इनको टाइम मिला था उसमें अगर ये पॉलिसी नहीं बना पाए हैं तो टेक्निकली आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने पूरा इस्तेमाल किया है डेली वेजर्स को उनके साथ सिंपैथी दिखा के लाठी चार्ज तो इनके टाइम पे हुआ
तब कितना कंडेम किया और एलजी के खिलाफ क्या एक्शन हुआ, किसने शिकायत करी, लाठीचार्ज भी हुआ इनके प्रोटेस्ट के ऊपर, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। और ये जो कहा जा रहा है कि हमें थोड़ा सा टाइम मिला, और कितना टाइम मिलता, आपने आप वो वाली उस वाली पॉलिसी के साथ चले हो कि मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा। आपने सत्यानाश करके छोड़ दिया है इंप्लॉयमेंट का, आपकी हालत देख लो, आपके टाइम पे पेपर लीक्स, आपके टाइम पे ऐसी पॉलिसीज लाई गई आपने जिसमें इंप्लॉयमेंट मिले ही ना, तो अब आप कह रहे हो कि जवाब दीजिएगा आपने जो 10 साल मिले हैं उसमें आपने क्या क्या किया, कम से कम ये तो देखो। लास्ट में मुझे इमरान जी के पास जाना, जल्दी से जवाब दीजिए राजेंद्र जी। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे ब्लेम काउंटर ब्लेम की बात नहीं है। एक नई सरकार यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी है, जो वादे करके आई है 70,000 पिछले लोगों को परमानेंट करना, जो उनके पाप हैं जो उन्होंने करे थे। चलिए इमरान जी, बॉल आपके कोर्ट में आ गई है, जवाब दीजिए जल्दी से। वो कह रहे हैं कि जो सरकार अब चुनकर आई है, दावे कर आई है, अब उनकी बारी। काम करते हैं, आपकी भाषा गलत है। हर एक बीजेपी के लीडर ये कहता है हम पाप है, हम पाप नहीं है, आपको साफ स्वच्छ पानी दिला रहे हैं। और प्रधानमंत्री बात सुननी चाहिए, इमरान जी जवाब दीजिए। ठीक है, हो गया, प्लीज इस तरह से नहीं खत्म करना। उन्होंने किया, इमरान जी जवाब दीजिए। आपने नहीं किया पाप, उन्होंने किया। आप सुनने की भी कैपेसिटी पैदा करें ना। जब सेवाएं ले रहे हैं तब आपको पाप नहीं दिख रहा है, जब हमने नहीं कहा आप पाप कर रहे हैं। बात सुनो, सेवाएं ले रहे हो, एहसान नहीं कर रहे। आपको मर्जी थी तो आप 500 रुपए में लगे थे भाई साहब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विंकल जुड़ने के लिए, राजेंद्र जी आपका भी धन्यवाद, ताज जी आपका भी, और इमरान आपका भी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल नई सरकार से अब उम्मीदें हैं, और साथ ही साथ आप देखिए किस तरह से आरोप और प्रत्यारोप तो चल ही रहे हैं, लेकिन एक रोड मैप तैयार करने की जरूरत है कि किस तरह से एक लंबे गैप को, एक बड़ी खाई को भरा जाए, क्योंकि युवा काफी परेशान है, जिस पर अब काम करने की बारी। आप देखते रहिए कार्यक्रम।